प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा. और अब हमारे सामने आ रहे हैं एक ऐसे जांबाज एंटरटेनर जो बहुत छोटी उम्र से बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं. आज इस शो पर वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमने आज तक पहले कभी नहीं देखा. जजेस, ऑडियंस, आपके होश उड़ाने आ रहे हैं आज बंदर राजू. अब मेरे साथ है बंदर राजू और इनकी खासियत ये है कि वो कहीं पर भी चल जाते हैं और चढ़ जाते हैं. बहुत सारे बिल्डिंग्स आपने चढ़े हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स पे आप पे चढ़े हैं, आज आप स्काई वॉकिंग करने वाले हैं. इसके बारे में आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? ये तो बहुत टफ है क्योंकि ये तो वो रूफ है ना, इसलिए बहुत टफ लग रहा है. अभी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, प्रोग्राम के लिए अभी डिफरेंट से मैं बना को बता रहा है. ठीक है, अभी अच्छा से बनने कर को मैं भगवान से आशीर्वाद ले रहा. जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्काई रूफ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कम से कम 150 टू 200 फीट हाइट पर है और यहाँ पर ये सिर्फ इस हार्नेस्ट की मदद से, और यही हार्नेस्ट होगा जो इन्हें प्रोटेक्ट करेगा. ऑलराइट सर, ऑल द बेस्ट. हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा करें और आप ना सिर्फ फुल ऑन हो लेकिन आप हमारे क्वार्टर फाइनल्स में भी जाएं. ओके, ऑल द बेस्ट जी. और प्लीज सबसे पहले सेफ्टी कम्स फर्स्ट. ओके, सबसे ऐसा विदाउट रोप इधर भी मत चढ़ना, सेफ्टी से करो. एब्सोल्युट. ऑलराइट, एंटरटेनमेंट प्लीज शुरू किया जाए. थैंक यू वेरी मच. We'll be right back.
जजेस आलम पनाह जी, बताइए आपको कैसा लगा ये एक्ट? यहाँ से हमारी सांस चल रही थी जब हम आपको देख रहे थे, वहां से जब आपने यहाँ इस पोस्टर को खोला तो मैं और फरह ने दोनों ने हाथ पर हाथ मारा, क्योंकि हमें पता हम कितनी मेहनत करते शो के लिए। लेकिन हमारी मेहनत एक तरफ और आज तुम्हारी मेहनत एक तरफ, जो आज तुमने करा है मैं नहीं समझता इस दुनिया में कोई कर सकता है। आई लव यू, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। क्वीन खान, बंदर राजू बोले, तुम्हारा नाम चेंज कर दो। नहीं मैडम, क्योंकि कोई भी बंदर ये नहीं कर सकता है जो आज तुमने किया है। मैं तो बंदर के देख देख के सिखाता, मेरा ओरिजिनल नाम है ज्योति राज। तो ज्योति, मैं तुमको ज्योति राज ही बुलाऊंगी, क्योंकि तुम तो बंदर को भी मात दे गए। मैं तो सुसाइड के लिए अटम किया था पहले बार। क्या सुसाइड? पहले बार मैं तो सुसाइड के लिए अटम किया था। मैं तो कर्नाटका से आया, कर्नाटका में चित्रदुर्गा करके, मैं तो बिल्डिंग का काम करता था। बिल्डिंग का काम करते करते मैं तो दारू का बच्चा हुआ था, मैं पीड़ी पीने का, किसी भी मारने का ऐसा हुआ था। सब लोग मेरे को खराब बच्चे कर बोलते थे। एक बार मैं सुसाइड करने गया था, एक पत्थर पे चढ़ के ऊपर से कूदने गया था। वो चढ़ने के टाइम पे, वो चित्रदुर्गा टूरिस्ट प्लेस है, वो टूरिस्ट प्लेस पे सब लोग मेरे को देख के क्लैप करे, सीटी बजाए, ताली बजाए। तब से उन लोग देख के वापस नीचे उतर गया। अभी ये सब होने बाद में आपको एक विशेष व्यक्ति को परिचय करना चाहते। वो एक आदमी बोला था मेरे को, बच्चे अभी तू अच्छा ट्राई करो, तू तो हनुमान का बच्चा है, अभी अच्छा से ट्राई करो, हो जाएगा करके। अभी वो भैया अभी इधर आइए, वो बुला सकते। आओ भैया, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। आपने उस कला को परखा, इसको बचाया और इसको नया जीवन दिया। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है और ये हमारे देश का है, एक बहुत बड़ा नग है ये, और ये बच्चा और आगे जाएगा। थैंक यू सोनू जी। जब हम लोगों से स्टंट करवाए जाते हैं तो हम लोगों को पता लगता है कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि जब आपका पूरा बॉडी वेट आपको अपने हाथों पर लेना पड़ता है। लेकिन जब मैंने आपकी मूवमेंट देखी, वो इतनी कमाल की थी, ऐसा लग रहा था शायद आप रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। यू नो, इतना स्मूथ और इतना कॉन्फिडेंस था आपका। यू नो, आप उल्टा लटक रहे थे, एक हाथ पे लटके थे। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको स्टंट मैन ऑफ दिस कंट्री का अवार्ड देना चाहिए। जैसे शो का नाम है कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, तो आपने सही में कुछ भी कर दिखाया है। लेकिन बंदर राजू का सोनू जी एक गिफ्ट लाए हैं तुम्हारे लिए। मुझे मालूम है कि आपको बहुत शौक है, यू नो, माउंटेन क्लाइंबिंग का, आप बहुत ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो आपके लिए खास ये एक टेंट है जहाँ पे आप जब भी सुकून से आराम कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो प्रैक्टिस करने के टाइम किधर भी पहाड़ पे जाएगा तो उधर प्रैक्टिस करूँगा, उधर पत्थर के नीचे छो जाऊँगा। बट ये पहले बार मेरे को पत्थर का जंगल का घर मिले, अभी मैं यूज करके अच्छा से अभी अच्छा प्रैक्टिस करूँगा। कांग्रेचुलेशंस, आपको मिले 11,121 रुपए। थैंक यू बंदर राजू जी, थैंक यू, थैंक यू भाई। सोनू, कैसा लगा हमारा आज का एंटरटेनमेंट आपको? मैं यही कहूंगा कि दुनिया के किसी भी मॉल में एंटरटेनमेंट का इतना माल नहीं हो सकता। yeah! और इनफैक्ट जो कुछ मैंने आज देखा है, तो ये सोनू सूद समेत वो सारा एंटरटेनमेंट वापस चुकाएगा।
Full on! Full on! Full on! Wow! 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 That was something. Come on, give him another big hand! Zordar Taliya! Thank you. Woo! Judges, Alam Panna ji, kya kehna hai iske bare mein? Sonu, honestly, sari duniya ne dabang dekhi hai. I've seen aapki performance maine dekhi. Lekin aaj jo aapne kiya hai na, वो इसलिए काबिले तारीफ है आपने सब कुछ प्रूव कर दिया थैंक यू सो मच शायद हो सकता है आपने सोचा कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ महज एक विलन नहीं हूं आई एम अ कंप्लीट पैकेज सो आई वुड से यू आर एन एक्टर यू आर अ डांसर यू आर एन एक्शन हीरो और उस पर इतना हसीन रोमांटिक चेहरा है मुझे लगता है हर हसीन लड़की का तुझ पर पहरा है बाबा Queen of my heart, Farah Khan. बताइए आपको कैसा लगा? देखिए जब मैंने contract उनको दिया है फराह जी को तो I think I had to perform. मुझे अच्छा करना ही था नहीं तो contract क्यों फराह? ये जो contract है ना इसको मैं इसको frame करा के you know घर के इसकी जरूरत ही नहीं है अभी इसकी तो तू large, small, medium सब रख रहा है. Thank you so much. Thank you so much, Sonu. आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, and you really entertained us. For that, हम आपको बोलना चाहते हैं कि you are absolutely Full on! Full on! Put your hands together for Sonu Sood! Are you ready? All right, judges, अपने घड़ी देख लीजिए क्योंकि अब वक्त आ गया है जब अब आपको हमें बताना पड़ेगा कि आज का स्पॉटलेस परफॉर्मर कौन है और आप किसको देने वाले हैं पूरे 21,000 रुपए देखिए आज मॉल में जो एपिसोड हुआ इट वॉज आउटस्टैंडिंग हर एक परफॉर्मर ने अपनी जान लड़ा दी और ये साबित कर दिया कि वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के लिए कुछ भी करने को तैयार है अब उजाला स्पॉटलेस परफॉर्मर ऑफ द डे किसको जाता है वो जा रहा है एक्चुअली वो जा रहा है उसको जिसने हमें हैरत अंगेज कर दिया और जिसने हमें स्टूपरफाई स्टनिफाई कर दिया बंदर राजू कांग्रेचुलेशंस ज्योति राज जी आपको मिलता है उजाला की तरफ से आपके स्पॉटलेस परफॉर्मेंस के लिए 21,000 रुपए वेल डन तो जजेस अब जल्दी से वो नाम बता दीजिए जो एक मिनट में लखपति बनने वाला है आज वो हम नहीं बताएंगे वो आज सोनू बताएगा लेकिन ये मैं बता दूं कि टुडेज एपिसोड वाज आउटस्टैंडिंग मैं बिल्कुल वही कहूंगा कि यू नो सब लोगों ने हमारे चेहरे पे वो स्माइल लेके आए हमारे वो दिल धड़काए आई थिंक दैट्स कॉल्ड एंटरटेनमेंट सब एक दूसरे से ज्यादा बेहतर थे लेकिन फिर भी किसी की आज तकदीर थोड़ी सी ज्यादा चमकी और जिसकी वो ज्यादा चमकी है वो है राजस्थान के नट